नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सरकारी लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के पास हैं, रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। फिर चाहे वो रिटायरमेंट वीआरएस वाला हो या सुपर एनिमेशन वाला हो कि उनकी एज लिमिट पूरी होगी है। बहुत लोग रिटायर होते हैं सरकार से 54 इयर्स पे, 56, 58 डिपेंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट में है, कौन से डिपार्टमेंट में है। 60 में तो अमूमन सारे ही रिटायर हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है उसका क्या करें। आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग द वर्ड क्या करें, मैं ये नहीं कह रहा उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। बहुत लोग रिटायरमेंट कॉर्पस को CORPUS को CORPSC की तरह समझते हैं, कॉर्प्स की तरह। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में कोई लाश ठिकाने लगाने की अर्जेंसी होती थी, वैसे ही बहुत लोग इसको ठिकाने लगाने की बहुत लोगों में अर्जेंसी होती है कि पैसा मिलेगा और इसको कैसे ठिकाने लगाना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन चुकी है गाइडेंस करने की और बताने की। समहाउ उसमें काफ़ी मिससेलिंग भी है और काफ़ी अदर इश्यूज भी हैं। तो इस पे क्लैरिटी लाने के लिए मैंने चार सूत्र मैं बताऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। अलग पर्सपेक्टिव देना मेरा उद्देश्य है। जो नॉर्मली अमूमन लोग देते हैं एडवाइस, उससे थोड़ी हटके मेरा देने का रहता है। नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, आई एम नॉट कॉन्ट्रारियन, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं ये जो सूत्र दूंगा इन पे थोड़ी रीजनिंग भी बताऊंगा। तो पहला सूत्र मेरा ये है, अमाउंट इज नॉट मच, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। ग्रुप ए ऑफिसर है सरकारी नौकरी का, उनका एग्जाम्पल दूंगा। ग्रुप बी को कम मिलेगा, ग्रुप ए को कितना मिलेगा रिटायरमेंट पे? उसमें ग्रेचुटी का एलिमेंट है जो 20 लाख पे कैप है, एक आपकी लीव इनकैशमेंट है, एक आपकी पेंशन का कम्यूटेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने सर्विस कितनी करी है, किस सीनियोरिटी पे जा रहे हो, तो 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 के करीब मिलेगा। ये अमाउंट सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, पर आपको परस्पेक्टिव में बताना चाहूँगा कि मुंबई कांडिवली ईस्ट में कल्पतरु बिल्डर है, उनका एक आ रहा है 418-420 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, 5 साल बाद पोजीशन है, वो इतने पैसे में नहीं आएगा। 1.25 है, 1 BHK भी नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे जी मुंबई में मुझे नहीं सेटल होना, तो जी गुड़गांव में 100 गज का प्लॉट नहीं आएगा इस रेट में, किसी भी सेक्टर में, हुड्डा में चेक कर लो आप, और दिल्ली में भी नहीं आएगा कहीं पे। तो मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा, यहाँ कोई गरीबी अमीरी का खेल नहीं खेल रहा, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो आप रिटायरमेंट का आप सोच रहे हो ना, इतना बोझ आ रहा है आप पे कि मैं इसको पैसे को कहाँ ठिकाने लगाऊं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। तो उससे आप थोड़े ना ओवरवेल्म नहीं रहेंगे। तो ये मेरा पहला सूत्र था, इतना ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है इस पे। रिलैक्स रहो, रिटायर हो रहे हो, आगे बात करते हैं। अभी सेकंड आपको क्या करना है, जो भी ये पैसा आएगा ना, तो सबसे पहला जो इसका 20% है उसको आपको खर्च कर देना है। कैसे खर्च करना है वो बताता हूँ। 20%, 10% अपनी अर्धांगिनी को देना है, स्पाउस को, बीवी को देना है। उसको बोलना है भी ये 10% तेरा, मेरे साथ हर जगह घूमी, हर जगह सुख दुख बांटा, मैं रिटायर होकर आया हूँ, ये 10% तेरा, क्या करना है इट इज योर दिस थिंग। आप वो नहीं कह रहे उसके नाम पे इन्वेस्ट करना है, FD, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप उसको 10% दे रहे हो। उसको कान में थोड़ा सा बोल सकते हो, फर्नीचर ले लेना, वो आप ही के घर का लिया जाएगा, ब्रांड न्यू फर्नीचर, पर्दे ले लेना, अच्छे सोफे ले लेना, और अपना कुछ छोटा मोटा कान वान का बनाना है वो भी बोल देना, बोलो 10% तुम्हारा है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा ये पॉइंट है, आगे सुनते रहिए। 5% के करीब, सॉरी 10% आप अपने पे खर्च करिए, क्योंकि सबसे बड़े रिश्तेदार आप ही हैं अपने, आपका मन खुश होना चाहिए। ये 10% में कई की चीज़ें आ सकती हैं, छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं, बहुत महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है, पर एक ब्रांड न्यू, अगर बहुत पुरानी गाड़ी चल रही थी, आप आला अधिकारी रिटायर हुए हैं, सरकारी गाड़ी में घूम रहे थे, अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं थी, तो कोई 20-25-30 लाख की लेने की जरूरत नहीं, क्रेटा टाइप तक एडजस्ट कर सकते हो, उस लेवल की जो आराम से बाजार में भी चले जाओ और एक नई गाड़ी हो वो गाड़ी खरीद सकते हो। गाड़ी अगर नहीं खरीदनी तो फॉरेन कंट्री, अभी तो कोविड वगैरह चल रहा है, ये जब भी निपटेगा, एक फॉरेन कंट्री का वाइफ के साथ या बच्चों के साथ एक ट्रिप बना सकते हो ताकि यादगार रहे, ठीक है। थोड़ी लेट एज में रिटायर हो रहे हो तो बहू बेटे हैं, दामाद हैं, बेटी हैं, तो उनको सोने की एक गिन्नी दे दो 5 ग्राम वाली, या जितना भी 20-25-30 हज़ार का थोड़ा पैसा उन पे डालो, 5% उनके लिए केटर करो, माँ बाप के लिए केटर करो, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है।
दोस्त, पार्टी, शोशाबाजी, दूर के रिश्तेदार, ये नहीं, सिर्फ फैमिली के ऊपर ही इतना करने को बोल रहा हूँ। ये आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये आपको एक इमीडिएट अच्छी भावना देगा अपने अराउंड, जो बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं, अपने एक एक पैसे पैसे वो हो जाते हैं, उससे क्या आप वाइब्रेशन ऐसी दे रहे हो कि भाई मैं बस और पैसा नहीं आने वाला, एक अभाव का माइंडसेट हो जाता है। और उसमें जो रिटायर होकर आए हैं, आप जिनके साथ रह रहे हो, आपका बेटा है, बेटी है, दामाद है, बहू है, उनको क्या पता चला आप रिटायर हुए, उनको भी थोड़ा तो हो सकता है, दे मे बी डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, दे डोंट रिक्वायर, बट स्टिल गिव देम, ठीक है। वो बहुत टोकन, बहुत टोकन, बहू है तो थोड़ा गिन्नी दे दी, सोने कान का कुछ 50,000 का दे दिया, सोना भी काफी महंगा हो गया है, किसी को थोड़ा मोबाइल फोन दे दिया कि भाई मेरी तरफ से, एक फील गुड फैक्टर होता है, बहुत जरूरी है, कम लोग करते हैं, जो करते हैं सुखी रहते हैं, ठीक है। तो ये चैनल सुख के बारे में है, पैसे के बारे में भी है, पर पैसे से सुख कैसे खरीदा जाता है, बहुत लोग कहते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मैं कहता हूं खर्च तो करो, फिर नहीं हैप्पीनेस मिले तो डायलॉग मारना। तो ये इतना पैसा आपको करना है, जोर लगेगा पर आपको करना है, 20% करना है, नहीं तो ना वो आपको जो एक वाइब्रेशंस है ना, जो सेट रिटायरमेंट के बाद काफी एनर्जी लेवल्स डाउन जाते हैं, बिकॉज सडनली वो जो महीने के एंड में वो SMS आता था ना, टॉन टॉन करके आता था, सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर, सो वो टॉन टॉन आना बंद हो जाता है उस अमाउंट का ना। और जो VRS लेते हैं उनका तो 10-12 महीने तक भी पेंशन नहीं आती, क्योंकि पेपर वर्क में टाइम लगता है, ठीक है। और जो वैसे रिटायर होते हैं तो काफी कम करके आती है। तो ये वाले पॉइंट में आप करिए, जो मानेंगे आप लोग करिए। तीसरा है जी, जो बाकी 80% बच गया, बाकी 80% के करीब बच गया, 75-80% बच गया, उसको आप डालिए FD में, ठीक है। 5-6%, 6.5%, जहां भी, कुछ पोस्ट ऑफिस में, एक इस बैंक में, एक उस बैंक में, और डाल के शांति से बैठ जाइए। ये रीजन आप बोल रहे हो यार ये तो बहुत, तू मतलब ये क्या बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज बता दी, इसका क्या, इसका ये है, आई वॉन्ट यू ऑल टू बाई टाइम, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स का टाइम बाई कीजिए, अंडरस्टैंड करिए दुनिया कैसे चल रही है। अभी आप एक सरकारी तंत्र के अंदर थे, सरकारी तंत्र के अंदर थे, आपको एक्चुअली नहीं पता कि एक्चुअली क्या ठीक है क्या गलत है। आप अपना पाक करिए, बहुत जल्दी मत करिए। बताने को तो मैं भी 2 मिनट में बता सकता हूं, मेरे को भी बड़ी नॉलेज है, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाइब्रिड कैप, फिक्स्ड इनकम, उसमें डेट फंड, हाइब्रिड फंड, अंग्रेजी बोल दो, शेयर मार्केट, इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, ट्रेडिंग, लोग ट्रेडिंग के लिए भी निकाल के रखते हैं 5-7 लाख, वो आप टाइम पास कर रहे हो अपने पैसे का नाश करके, ठीक है। शेयर मार्केट में ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर द रॉ मटेरियल इज मनी एंड यू हैव अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ दिस रॉ मटेरियल। पीपल हु मेक मनी इन शेयर मार्केट हैव गॉट अ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ दैट मनी, दे मे लूज, दे मे गेन, एंड दे मे हैव अ गुड एवरेज। तो आपको नहीं पता कि आप रिटायर हो रहे हो उस टाइम मार्केट किस कंडीशन में, जैसे मार्केट यू डोंट नो, तो जब आप 10-12 महीने स्टेबलाइज हो जाओगे, हो सकता है यू कैन कैच सम गुड बार्गेन डील्स इन इक्विटी मार्केट। तो इसलिए सबसे पहले FD करानी है आपको, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी से उसको सबको सेट करके मुझे बैठना है, FD करा के शांति से कर लो। और ये जितना अमाउंट आपको मिल रहा है ना, इसकी चर्चा भी मत करो किसी रिश्तेदार से ज्यादा, ठीक है। नहीं तो बहुत एडवाइजर आ जाएंगे, घर घर में भी आ जाएंगे, पापा ऐसे कर लो, मम्मी मतलब कोई भी एडवाइस देने वाले आ जाएंगे, आप ज्यादा बताओ ही मत। आप ज्यादा ओवरमेंट और एक्साइटेड होंगे ना, तो उसी में चीजें बताई जाती हैं, फिर वो इतने सलाहकार 100 आ जाएंगे, किसी की तो माननी पड़ेगी। तो ये टेम्पटेशन है, इसको आपको रोकना है। फिर हम चौथे पे आते हैं, चौथा क्या है, डू नॉट गो टू एक्सपर्ट्स। बहुत एक्सपर्ट है मार्केट में कि आई विल टेल यू रिटायरमेंट का पैसा कहाँ लगाना है, डू नॉट गो टू देम। Everybody is a barber in the market waiting to give you an haircut whether you need it or you do not need it. You do not go to experts. ठीक है, PMS वाले बैठे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इतने बैंक्स के इतने वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, अरे खुद तो 20-25-30-40-50 हज़ार की नौकरी पे बैठे हुए हैं, वो आपका करोड़ खा ठिकाने लगाना है वो बताएंगे, उसकी ऑफिस बताएंगे, फिर उनको आप मतलब ये वालों के साथ नहीं जाना है कहीं मार्केट में, कहीं कुछ पैसा नहीं लगाना। अपना FD कर दी, 20% आपने डाल दी, पेंशन आ रही है, सांस लो, लंबा सांस लो। अब किसके पास जाओ, एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाओ तो किसके पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, जो आपको सिखाएंगे।
सिखाएंगे, चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे नहीं क्या करना है, चीजें अलग अलग सब बताएंगे, क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। रीजन इसका क्या है, हर आदमी की इतनी यूनिक सिचुएशन है, कोई एक आदमी एक वेबिनार में या एक किताब लिखकर या एक यूट्यूब का वीडियो बताकर कोई ये चीज समझा नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है आप हिमाचल के रहने वाले हैं, रिटायर होके मोहाली जा रहे हैं, आपके दोनों बच्चों की भी ना नौकरी लगी है, शादी हुई है, ये एक टेम्पलेट आपको अलग सूट करेगा, कोई डाइवोर्सी है वो अलग निकल के आ रहा है, किसी के ओल्ड पेरेंट्स है, किसी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों की नौकरी लगी हुई है, शादी तक हो गई है, सबकी लाइफ सिचुएशन बहुत अलग है। दो लड़के हैं, दो लड़की, लड़का लड़की, कोई सेटल कोई नॉट सेटल, किसी की वाइफ से बनती है नहीं बनती है, किसी का पेरेंट्स के साथ कलेश चल रहा है, किसी की प्रॉपर्टी बहुत इनहेरिटेंस में मिल चुकी है, तो जब पैसे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मिल चुकी है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो हर आदमी की लाइफ सिचुएशन इतनी डिफरेंट है कि कोई ब्लैंकेट एक आदमी बता नहीं सकता। तो इसलिए किसी ये जो रिटायरमेंट के बाद ना बहुत इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं या लेक्चर्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं कि आओ हम मिलके बात करेंगे, कैसे चाय पे चर्चा टाइप की, क्या करना है। ऐसे ये आपका टाइम वेस्टेज है, आपको नहीं जाना, आपकी यूनिक सिचुएशन है, आप रिटायर हो जाओ, 6-8 महीने टाइम बाय कर लो। जब आप रिटायर होकर एक जगह रहोगे ना, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ मैंने देखा कि सपने बुने थे एक पर्टिकुलर शहर के, मजा आएगा, मेरे दोस्त हैं ये, वहां रह के मजा ही नहीं आ रहा, पैसा आपने कहीं और ठिकाने में लगा दिया, अब करना आपको कुछ और है लाइफ में, तो आप फंस गए। आप तो सोच के कुछ आए थे, गिव योर सेल्फ मिनिमम 6 मंथ्स, आई एम नॉट सेइंग 12 महीने या 18-20, वो तो लक्ष्मी जी तो अंदर चंचल हैं, वो रखा हुआ अंदर से लगेगा जैसे पता नहीं बाहर पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। कोई पैसा कहीं नहीं कमा रहा है, जो बहुत फैंसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना अलग अलग जगह, उसमें 10-20% की जीरो हो जाती है, मारी जाती है, फंस जाती है, बाकी कुछ अच्छी कर लेती है, ओवरऑल रिटर्न वही घूम के 6-7-8-10% मुश्किल से आते हैं, और उसमें इतना कलेश आप रियलाइज करोगे कि उस एज में लेने की जरूरत नहीं है। उसमें आगे क्या करना मैं बताता हूं, तो टीचर्स के पास जा सकते हैं जो सिखाते हैं, मैं अपने आप को भी टीचर मानता हूं, मैं रियल एस्टेट पे पूरी टीचिंग करता हूं, मैं सब चीजों पे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो है सारी मैंने खुल के मनी माइंडसेट सीरीज बनाई है, उसमें मेरे 10 वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखिए, आपका तकरीबन 2.5-3 घंटा लगेगा सब देखने का। किसी उसमें अलग अलग चीजें मैंने बताई हैं, मैं किसी भी चीज को ये नहीं बोलता ये अच्छी है, ये खराब है, ये बहुत अच्छी है, हर चीज को आपको समझना है, जो चीज आपके समझ में आ जाए वही अच्छी है। तो जस्ट बिकॉज कोई किसी को और बोल रहा है कि ये करो, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग है, कोई लोग 10-15-20 लाख अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट में लगाना, ऊपर नीचे करना, आप शायद नहीं कर सकते, वो आपको डिसाइड करना है। शेयर मार्केट में 10 लाख अगर आपका 5 लाख हो गया है, तो 50% लॉस होने के बाद अगर आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में जाना है तो इट शुड नाउ गेन 100%। तो ये जो 50 और 100 होता है ना, इसी में ही सब लोग अपना स्टैटिस्टिक्स देते हैं, मार्केट हैज गिवन दिस मच, मार्केट हैज गिवन दिस मच। बहुत लोग ये मार्केट में ये वाली बातें बताते हैं, विप्रो के शेयर अगर लिए होते तो ऐसे हो जाता, एक आदमी था, वो एक आदमी का एग्जांपल होता है, मेरे को तो 5 आदमी कभी मिले नहीं, तो अगर 135-140 करोड़ के देश में 5-10 आदमियों के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं तो स्टैटिस्टिकली आपके साथ वो नहीं होने वाला। बहुत लोग बोलते हैं 2000 में SIP करी होती तो ऐसे हो जाता, अरे भाई किसी की बेटी की शादी है तो मार्केट अगर क्रैश किया हुआ तो वो वेट करेगा, पोस्टपोन करेगा, किसी के बेटे को बाहर जाना है, कुछ खर्चा करना है, घर बनाना है, घर में मेडिकल इमरजेंसी। तो आप सबको ये चीज समझनी है कि सबका अलग अलग टेम्पलेट है, टेम्पलेट सीखा जा सकता है, वो टेम्पलेट लेके अपने पे लगाइए और वो गेन कीजिए। एंड बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट पे जब आप बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि बस आप निपट गए, वो बस 80-90 लाख 1 करोड़ ही आपकी लाइफ है, उसी से रोटी आपको खानी है और 40 साल आप उस पर जी लोगे और पेंशन, ऐसे नहीं होने वाला। वो पैसा भी कम पड़ जाएगा 10 साल बाद, मैं इन्फ्लेशन पे मेरा एक वीडियो तैयार हुआ है, वो मैं रिसर्च हो रखी है, वो मैं जल्दी डालूंगा, वो आपको और पर्सपेक्टिव देगा कि हाउ फूल हार्डी इज इट टू कंटिन्यूसली टॉक अबाउट दिस 1 करोड़ रुपीज। ये 1 करोड़ को इतना मत समझिए, 10-20 करोड़ के लिए लाइफ में एम करिए, ठीक है, और ये मत सोचिए कि मतलब नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद क्या करें, काम क्या करें, तो पहले तो मैं बताऊंगा काम क्या नहीं करने चाहिए, सरकारी लोग जो रिटायर होते हैं उनको क्या काम नहीं करने चाहिए। पहला काम है नौकरी मत करिए, किसी भी एज पे रिटायर हो रहे हैं, जल्दी रिटायर हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं, नौकरी मत करिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है,
सफेद बाल लेके कहाँ जूनियरों को उम्र में लोगों को सर कहते फिरोगे, ठीक है, कोई मजा नहीं आने वाला। सुबह फिर वही उठना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से लाइफ जीनी पड़ेगी। पाया क्या आपने, जब आपने 33-35 साल नौकरी के बाद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जा पाए, तो ये नौकरी करके भी बहुत आपका भला नहीं होने वाला। अब लोग कई मेरे को जवाब देते हैं, मुझे टाइम पास करने के लिए तो मेरे को देखो अच्छा है, वहाँ जाना है इतना, ये देखो ये सब स्टोरीज हैं। बहुत लोग हैं जो 70-80 हज़ार एक मतलब एक पर्टिकुलर लेवल की नौकरी करते हैं, खुद भी कई बार एम्बेरस्ड फील करते हैं, फिर ये वाला एक्सप्लेनेशन देते हैं। नहीं, ये आपको एम्बेरस्ड फील होना अच्छी बात है, पर एक्सप्लेनेशन मत दो, ठीक है। आप इस लेवल पे रिटायर हुए हो, अपना लेवल को नीचे मत करो। मार्केट द मोमेंट यू डू नौकरी, तो जिस लेवल पे रिटायर हुए उस लेवल की तो मिलने नहीं वाली, तो कहीं यहाँ वहाँ मिलेगी, इस पर करने की जरूरत है। देखो बहुत ही ग्रेट एक्सपर्टीज थी आपकी, बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, बहुत ही आप ग्रेट आदमी हो, और आपको किसी कंपनी ने बहुत आरती उतार के ले लिया, तो प्लीज़ नौकरी कर लीजिए, वो आपको भी पता चल जाएगा। पर उसमें 5% लोग भी नहीं होंगे, 95% लोग तो ऐसे ही होंगे जो लेफ्ट राइट एचआर एडमिन और इस तरह की नौकरियां ही करते हैं। फिर जब वो बोलता है ना कोई सांगवान जी, और यंगस्टर बोलेगा सांगवान जी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, पानी तो लगा नहीं, बॉटल खाएं, बड़ा चुपता है। ऐसे लोग मेरे से बहुत डिस्कस करते हैं जब अलग तरह की काउंसलिंग के लिए आते हैं। मैं बहुत ही मार्केट में बैठा हुआ रियल टाइम 2021 आ रहा है थोड़े दिनों में, उसकी बातें कर रहा हूँ। 2017 में क्या हुआ, 18 में क्या, 19 में क्या हुआ, बाकी लोग कैसे लग गए, ये छोटे मोटे कोर्सेज कर लेते हैं लोग, इनके बाद नौकरियाँ भी लग जाती हैं, ये इतनी खुशी लाइफ नहीं है इनकी, ठीक है। अगला, जिस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हो उससे एसोसिएटेड कोई काम मत। बहुत लोग मैंने देखा है ये डिपार्टमेंट का, इससे रिटायर हुए यहीं पे घूम रहे हैं, यहीं पे किसी कंपनी ने हायर कर लिया इनको, इन्हीं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, उस पर बहुत क्लॉजेस गवर्नमेंट के वैसे बने हुए हैं, ठीक है, ताकि वो जो मतलब किस तरह के रूल्स हैं कि आप नहीं कर सकते, पर उसके रूल्स में रहते रहते भी कई लोग इस तरह के लाइजन ऑफिसर, वो आप एम्बेरस खुद हो रहे हो, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, और आपके जो पुराने साथी हैं जो जूनियर थे वो ऊपर हो गए, आप उन्हीं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो कि भाई अब तुम मतलब यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, तो उससे आप कोसों दूर रहो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला काम ही नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द टर्म, उन लोगों से आप दूर हो जाओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसी में रोटी खाने की, गेम बहुत हैं और मार्केट में। अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ, एक बेसिक टेम्पलेट, ठीक है, जिससे आप काम तो करना है, ठीक है, करना तो कुछ है, तो क्या एग्जैक्टली मतलब वीडियो तो कितनी देर का बना लो, 50 काम है, ठीक है, इन पे मैं कुछ काउंसलिंग करता हूँ लोगों की इंडिविजुअली, पर आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा विच विल वर्क फॉर एवरीबडी। जो लक्ष्मी जी हैं ना जी, उनके पीछे भागोगे तो वो नहीं आएंगे। समंदर मंथन वाली स्टोरी है, भगवत पुराण वाली, पुराने पुराणों की स्टोरी है कि समंदर से लक्ष्मी जी का भी निकले थे, तो बहुत देवताओं में उनको चॉइस थी भी किससे करनी है शादी, तो शी चोज विष्णु जी, बिकॉज विष्णु शी डिड रन आफ्टर हर। विष्णु जी वाला एलिमेंट हमें आपस अपनी लाइफ में लाना है। विष्णु जी वाला एलिमेंट बेसिकली क्या है, टू एड वैल्यू इन लाइफ ऑफ अदर्स, अपने लिए नहीं। द मोमेंट यू विल एड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ अदर्स, लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगी, और लक्ष्मी जी आपके पास ही रहेंगी, और लक्ष्मी जी के पीछे आप भागोगे, ठीक है, तो नहीं आने वाली। तो द मोमेंट आप अपना एक सीआर के पीछे बहुत दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, 5 लाख इधर, 3 लाख इधर, ETF, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, लोग बिटकॉइन, ठीक है, कोई अपना ट्रेडिंग कर लूंगा, यहां डाल दे, वो मुझे बता दे, ये वहां बता दे, सब सबको ऐसे हो रखा है, सब कुंजी पढ़ पढ़ के ना, कुंजी चाहिए सबको एकदम, किसी को वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। मैं सिलेबस में बिलीव करता हूं, क्योंकि सिलेबस जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया ना, फिर वो एग्जाम से टेंशन नहीं होती उसको, जिसको सब पता है। तो आपको पता सब कुछ है, अब आपकी लाइफ सिचुएशन में कौन सी चीज कहां फिट होगी, आप अपने आप फिट करेंगे। तो आपको आई विल अगेन रिपीट, एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाना है, वो एक एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो आपका यहाँ सेट कर देंगे, उसके थोड़े पैसे ले लेंगे, या फंड मैनेजमेंट चार्ज है, या बीच का चार्ज है, और उस पर बहुत हर जगह सोशल मीडिया पे हर जगह लोग आ रहे हैं, ये ले लो, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, नहीं, आपको आपका पैसा कहाँ लगाना चाहिए किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। 30-35-40 साल सबने नौकरी करी है, इतना सब में दिमाग है कि उनका पैसा किधर लगना चाहिए। हाँ, आपको पूछना है, चीजें सीखनी है, और खुद सीख के खुद डिसाइड करना है। थैंक यू।